गाइस ये मेरे तीन दोस्त और आज मैं इनको मौका देने वाली हूँ पूरे 50,000 रुपए जीतने का। होगा ये कि इन तीनों में से जो भी आखिरी तक जगेगा वो जीत जाएगा ये 50,000 रुपए। तो तुम्हें लगता है जीत जाओगे? मैं क्या लगता है, मैं जीतूंगा? ये थोड़ी ना जीतेंगे। भूल गया मैं भी हूँ यहाँ पे। तू भूल गया ये भी है यहाँ पे। ये लोग कंटेंट क्रिएट करके सो जाते हैं, एडिटिंग करता हूँ दो दो दिन जाग के। 21 दिन जगने का रिकॉर्ड है मेरा, 21 दिन एक साथ तपस्या करी थी। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये है इनका ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन बेटा मैंने वो सारे इंतजाम कर रखे हैं जिससे इनको जल्दी से जल्दी नींद आए। मुझे तो मेरी माँ की लोरी नहीं सुला पाई कभी, तेरे इंतजाम क्या सुला पाएंगे। इन्हें लग रहा है यहाँ बैठे बैठे इनको मिल जाएंगे ये पैसे। इनको ये नहीं पता कि इनमें से जो दो पहले सो जाएंगे उनके लिए मैंने सोच रखी है एक बहुत खतरनाक सजा। चलो पहले सबसे पहले इनको मैं लेके जा रही हूँ पार्क, और यहाँ मैं इनसे लगवाने वाली हूँ पूरे पार्क के 5 चक्कर, क्योंकि रनिंग से सबसे ज्यादा स्टेमिना लो होता है और उसके बाद इनको जबरदस्त नींद आएगी। 5 चक्कर इतनी दोपहर में? और नींद नहीं आएगी, चक्कर आ जाएंगे। मैं अब चाहे नींद आए चाहे चक्कर आए, पार्क के चक्कर तो तुम्हें लगाने पड़ेंगे। और जो सबसे पहले 5 चक्कर लगाकर यहाँ आ जाएगा मेरे पास, उसको लिए एक मेरे पास इनाम भी है छोटा सा। क्या? उसको मिलेगा ये एनर्जी ड्रिंक। चलो ये मुझे चाहिए। चले चालू करते। चलो अरे भाग ना, ये पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहा है भाई। एनर्जी ड्रिंक तो चाहिए, बहुत प्यास लगी है भरी दोपहर में, पता नहीं क्यों दौड़ा रही। पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। मुझे एनर्जी ड्रिंक चाहिए, गला सूख रहा है सुबह से। तो अगर दौड़ना ही है तो क्यों ना सबसे पहले पूरा करूँ 5 चक्कर, बाद में आऊंगा तो लसन भी नहीं मिलेगा। इतनी धूप में भगवा रही हूँ ना, इनको क्या लग रहा था 50,000 रुपए इनको ऐसी दे दूंगी? मतलब मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अभी दौड़ेंगे ना तब पता चलेगा इनको। ये है इनका लास्ट चक्कर, लास्ट राउंड है। मेरी आवाज जा चुकी है, गला सूख गया ब्रो। दौड़ बेटे, ठीक है दौड़ ले दौड़ ले, पैसा ही पैसा होगा। अभी मैंने थोड़ी चीटिंग कर दी है, मैं पार्क के बीच में से दौड़ के जा रहा हूँ ट्रैक मिस करके। मैं चीटिंग कर रहा यार, मैं देखो आधे रास्ते से गया, पूरी जान लगा दी, स्प्रिंट मारी है बेस्ट स्पीड। गजब टूबी बाज आदमी भाई। ये सबसे पहले कैसे आ गया? ये जींस की वजह से आ गए ऐसे से। मुझे लग रहा है मयंक ने चीटिंग करी है, और ये भी कह रहे हैं कि मयंक ने चीटिंग करी है। अब आयुष को भी आ जाने देते हैं, फिर हम वोटिंग करेंगे कि क्या मयंक ने चीटिंग करी है। अब आया तू? हाँ। मैं कम काया बैठा हूँ यहाँ यार। अरे तुम कितने चक्कर तोड़ के भागे हो? तो गाइस ये दौड़ वाली जो रेस थी उसमें से तो मयंक हार गया, तो ये तो बाहर है, ये तो दौड़ ही नहीं पाए। ठीक है, ये दो लड़के दौड़े हैं और इनमें से भी जो फर्स्ट है वो है धीरज, और इसलिए ड्रिंक मिलेगी धीरज को। अब हमें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा इसी हालत में नेक्स्ट का। अब मैं इनको लेकर आई हूँ जिम, और यहाँ पे मैं इनसे पूरे 1 घंटा करवाने वाली नॉन स्टॉप वर्कआउट। और ये हमारे ट्रेनर भैया, भैया ये तीनों के चेहरे देख लो, इनकी हड्डियां तोड़ दो, खाल निकाल दो, जो करना है करो, पर 1 घंटे तक क्या चलेगा? सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट। भाई तू क्या यार कर रहा है? खुद ना खिलाया ना पिलाया, पहले भगाया वर्कआउट, कैसे तो मर जाएंगे। एक घंटे से पहले कोई भी यहाँ पे रुका वर्कआउट करते वक्त तो वो 50,000 की रेस से सीधा बाहर हो जाए। मैं तो 10 साल से जिम कर मैं कुछ और करूंगा। क्या बोला तूने? चल ऊपर आ, ऊपर चल, ऊपर आ, रुकना नहीं है, ऊपर आ, चल 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 लीजिए आप इसे, चल पुश अप ले, चल ऊपर आ, चल ऊपर आ, जंप ले, चल जंप, हां यू अभी दो हुए, चल चल पुश अप ले। अरे भाई 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 गाइस अभी तो ये थोड़ा सा जिमी हुआ है इनका, और इनकी ये हालत है कुत्ते जैसी, हाँ पर ये तो सोचो अभी तो पूरी वीडियो बाकी है, आगे क्या क्या होने वाला है। आप सब्सक्राइब करो तब तक। अरे उठा दे, नहीं उठा, चाहिए चाहिए चाहिए, चल 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 अब कर, अब कर, अब कर, चल 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 चल, पूरा नीचे में जाओ, चल पूरा पर भैया तो चल। किसी तरह अपने रो पिट के 1 घंटे वर्कआउट के पूरे कर लिए, बट कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो अब मेरा अगला टास्क है ना वो इनको तोड़ के रख देगा और सोने पर मजबूर कर देगा। ये ले भाई पकड़,
ये ले, ले। अब ये चड्डा पहन के नाचना है। चड्डा पहन के नाचना नहीं है, ये है तुम्हारे स्विमिंग शॉर्ट्स और इन्हें पहन के तुमको करनी है पूरे 2 घंटे तक स्विमिंग। इसके लिए आया मैं स्कूल में और किस लिए आया? स्विमिंग करने से जितनी ज्यादा बॉडी स्ट्रेंथ लगती है ना गाइस, किसी चीज में नहीं लगती। पर हमने तो पहले बहुत एक्सरसाइज कर रखी है, हम तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। स्विमिंग कैसे करें? जैसे करते हैं यार। तू क्या क्या करवा रही है? मैं चड्डा बना रही है, खुद मस्त सज धज के घूम रही है। हम चड्डे में आए वीडियो में, सज धज के घूम रही हूँ मैं, नाइट सूट पहन के घूम रही हूँ। नाइट सूट है और नहीं तो क्या, ड्रेस है। तेरी गलती नहीं है भाई, मैंने क्लोविया से इतने अच्छे स्टाइलिश और कंफर्टेबल नाइट सूट मंगवाया। मैं दिन में भी पहन के घूमती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसके अलावा मेरे पास 2 और है, वो इससे भी ज्यादा स्टाइलिश है भाई। इन लड़कियों का बढ़िया भाई, नाइट सूट भी इतने बढ़िया। हमारे तो चड्डे पे भी कोई प्रिंट नहीं है, कोई फूल नहीं, कुछ नहीं। गाइस ये तो इतने भाई बौखला गए, पर अभी तो मैं और मंगवाऊंगी क्योंकि अभी क्लोविया पे सेल चल रही है जिसमें 40-70% तक ऑफ मिल रहा है इनके स्किन केयर रेंज स्कीविया पर, जो अपने नाइट वियर्स और एक्टिव वियर्स में बेस्ट है। और इसकी स्टार्टिंग से 349 रुपीज से हो जाती है। क्लोविया पर फ्री शिपिंग, 100% प्राइवेट COD और फ्री रिटर्न्स है विद अनलिमिटेड स्टाइल्स। तो गाइज आप लोग भी जाओ इस सेल में मस्त क्लोविया से अपने लिए खूब सारी शॉपिंग करो और मेरा कूपन कोड NIS15 यूज कर लेना तो आपको 15% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। मजे करो और क्लोविया से शॉपिंग करो। मैं तीनों की करवाने वाली हूँ रेस, देखती हूँ कौन जीतने वाला है। गाइज सुनो, तुम्हें उस कुर्सी तक जाना है लास्ट और वापस आना है, ठीक है? 1, 2, 3 गो। जितने घटिया ये जिम में थे उससे कई ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस इनकी पूल में, ये कहीं पे भी अच्छे से नहीं कर सकते कुछ भी। चलो चलो पूरे 2 घंटे करना लगातार। 2 घंटे? हाँ 2 घंटे की बोली थी मैंने इनको, 2 घंटे तक ये पूल में तैरेंगे बस। इनका पता नहीं, आज बीमार होना फिक्स है, बीमार तो आज पड़ने वाले हैं। ये हंसी दिख रही है आपको ना, ये हंसी नहीं है, गमी हंसी। देखा इनकी हालत, मैंने अभी क्या बना दी है, सोचो आगे आगे क्या होगा इनके साथ। तो गाइज इन बेचारों ने सुबह से काफी मुशक्कत करी है, कभी जिम कभी स्विमिंग, तो फाइनली मैंने इन लोगों के लिए खूब सारा खाना मंगवाया है ताकि से ये पेट भर के खाना खा सके और थोड़ी इनके अंदर एनर्जी आए। इतनी मेहनत के बाद फाइनली कुछ मिला तो अब लग रहा है इस चैलेंज में कुछ चैलेंज है नहीं, बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, मजा आ रहे हैं। तो चैलेंज है भाई, मजा आ रहा है, बेकार घटिया। आ जाओ गाइज खाने दो इन्हें। गाइज इनको कोई आइडिया नहीं है नीशू जो इतनी तेज है सुबह से इनकी नाक में दम कर रखा है वो इनको इतना क्यों खिला रही है। तो मैं बताती हूँ गाइज, मैंने खाना जो मंगवाया वो है रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये खाना खाते इनको बहुत जल्दी नींद आने लगेगी और इनको लगेगा बस अब पेट पूजा हो गई है, सीधा बिस्तर पकड़ते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कुछ भी चाहिए हो तो बोल देना, मैं मीठे में हो जाता। नहीं गुलाब जामुन। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मेरा बड़ी मंगाई देती जब इतना हो रहा था। कोई नहीं गाइस, कर लो फरमाइश, अभी तो पूरी रात बाकी है, पूरा चैलेंज बाकी है, मिलेगा रसमलाई रबड़ी। मैं तो पहले इतनी नींद आ रही थी, हमें इतना रोटी खिला दी गई। ये फिनिश करो भाई, पूरा खाना पूरा वेस्ट नहीं करना। अरे खाओ, चीटिंग चलती है, तुम खाओ। गाइज मुझे लगा था कि यार खाना खाते ये लोग तो ढेर हो जाएंगे, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बट अब मैंने लगाया एक ऐसा जुगाड़ कि इसके बाद तो इनमें से कोई ना कोई तो ढेर हो जाएगा। जब अच्छी सी अरोमा वाली मसाज होती है, गरम गरम तेल के साथ ठंडे ठंडे हाथ आते हैं, हाय हाय, तो किसको नींद नहीं आएगी यार। बात तो सही है, मैंने इनको सुलाने का फुल इंतजाम कर रखा है। तो गाइस सेटअप अपना लग चुका है, अरोमाज हमारे सेट हो गए हैं। भैया आपको ऐसी मसाज करनी है ना कि बंदा सो जाए। 100% सुलाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? एक दूसरे के जगाए हुए रख देते। चलो भाई आ जाओ, बाहर आ सकते हो तुम लोग, आ जाओ। दुकान लगा दी तो पूरी बाल कटने वाले क्या? ये दिख नहीं रहा तुम लोगों के लिए मैंने मसाज का जुगाड़ करवाया है भाई, ये कभी नींद आ जाएगी भाई, करना तो पड़ेगा। करा ले तो मैं तो ठीक है, पर ऑप्शन तो बेकार है, पर मजा तो बताता है। नींद आ रही है बहुत तेज। मसाज के बाद तो इनमें से पक्का कोई ना कोई जरूर सो जाए।
जाएगा, पर ये लोग बहुत ज्यादा ढीठ निकले और अब मुझे चाहिए था जल्दी से जल्दी अपना एक विनर, और इसीलिए मैंने इन सब के फोन्स छीन के इनको कर दिया है अलग अलग रूम्स में लॉक, और इन सब पे लगा दिया है सर्विलेंस कैमरा, जिससे मैं यहाँ पे बैठ के आराम से इन सब पर नजर रखूंगी, और जिसका भी विकेट सबसे पहले गिरेगा मैंने सोची है उसके लिए एक बहुत खतरनाक सजा। और अभी तो मुझे बस आधा घंटा ही हुआ था मॉनिटर करते हुए, और मैंने देखा कि जो सबसे पहले चीत हुआ है ना वो हुआ है धीरज, पिछले आधे घंटे से इसी पोजीशन में लेटा हुआ है और उसकी आंखें भी बंद है, इसका मतलब क्लियरली वो सो चुका है और वो सबसे पहले सोया है, तो अब उसको मिलेगी एक बहुत ही तगड़ी सजा। धीरज सो कैसे गया? वो क्या है भाई, रिकॉर्ड है हमारे पास। उठो 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 उठो। तो गाइस धीरज सबसे पहले ढेर हुआ था और अब टाइम है इसकी पनिशमेंट का। मत यार, इतनी मोटी बर्फे है कहीं इसका सर ना टूट जाए। ठंडी ठंडी बर्फ के साथ आइस। और अब इस गेम में बचे हैं बस दो खिलाड़ी, और देखना ये कि कौन इनमें से पनिशमेंट पाएगा और कौन 50,000 पे जीत के ले जाएगा। गाइस मयंक की मूवमेंट आधे घंटे पहले तक तो हो रही थी, पर आधे घंटे से मैं उसको नोटिस कर रही हूँ, ना वो हिल रहा है ना डूल रहा है, और उसकी आंखें भी बंद हैं, तब मुझे पूरा पूरा सा उस पर ना शक सा जा रहा है कि वो सो चुका है और चित हो गया। अब मैं जा रही हूँ अंदर रूम में और अपनी आंखों से जाके चेक करके आऊंगी कि भाई जगह है या सो गया। मयंक मयंक तू सो गया था? नहीं। ये कौन सा जगना हुआ भाई, उठ जा भाई। तो गाइस मयंक कौशिक जी जो हैं वो दूसरे नंबर पर इस रेस से बाहर हुए हैं, और अब टाइम है आपकी पनिशमेंट का। तो गाइस यहाँ मयंक की भी सजा पूरी हो चुकी है और फाइनली